गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टुडे ऑल्सो एक्टिविटी मैथ्स प्ले क्या एक्टिविटी मैथ्स प्ले हमने आपको बताया था कल कि मैथ्स मैथिक एक सब्जेक्ट होता है जिसमें हम डिविजन्स एडिशन मल्टीप्लीकेशन सीखते हैं और मैथ्स एक्टिविटी एक फन होता है क्या होता है फन फन विद मैथ्स कहते हैं आज आपका जो हमने टॉपिक आपको पढ़ाए थे आप लोग को याद है ना आज हम आपको पढ़ाएंगे टॉपिक इसमें पुट साइन आपको ये दो साइन दिए हुए हैं क्या दिए हुए हैं साइन या अगर आप पुट साइन पढ़ाएंगे आप पुट साइन रोको जा मैं आज हम आपको ये साइन पढ़ाएंगे कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं ये साइन से और ये साइन से और ये है आपका इक्वल टू का साइन ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल टू का साइन अगर आपको ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता कि हम क्या करें तो हम इसमें आपको एक चीज़ बताते हैं यहाँ लिखा है 12 और मान लीजिए बीच में आपको ये दिया है और यहाँ लिखा है 21 तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं बहुत इजी होता है कि ये जो ओपन साइड होता है ये जो ओपन साइड होता है ये हमेशा बड़े के साइड होता है यहाँ पे 12 एंड 21 कभी कभी आप जल्दी से एग्जाम पेपर देखते हो और ये लिखा होता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा 12 कौन सा 21 बहुत सिंपली बहुत धीरे धीरे देखिए आप 1 to 12 to 1 21 और जिधर का ये ओपन डायरेक्शन है मान लीजिए ये ओपन है तो ओपन हमें बड़े के साइड करना है यहाँ ओपन कर दिया और ये क्लोज का साइन हमेशा छोटे के साइड होता है अगर आप यहाँ छोटे सम नंबर देखिए और यहाँ पे ये देखिए 1 तो किधर पे आएगा ओपन किधर होगा इधर किधर यस दिस साइड विल ओपन क्योंकि ये ग्रेटर साइड है और अगर इक्वल नंबर है मान लीजिए 5 + 5 तो ये हमारा इज इक्वल टू इसे क्या बोलते हैं इज इक्वल टू यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आएगा फिर कंफ्यूज ना होइए दिस इज ओपन साइड और ये क्लोज साइड हमेशा छोटे की तरफ होता है ओपन साइड हमेशा बड़े के साइड होता है अंडरस्टूड या अब आपको हम आपको पढ़ाते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म What is? Expanded form. Expanded form क्या होता है? मान लीजिए कोई नंबर लिखा 200, 246 मान लीजिए लिखा है और इसको हमें expand करना है तो हमें ये बताना है इसमें क्या क्या है इसमें क्या क्या है 200 है प्लस 40 भी है प्लस 6 भी है तो अगर आप इसको इक्वल करोगे तो आपका 246 आ जाएगा ये एक्सपैंड करना है क्या ये एक्सपैंड आपने यहाँ लिखा है 59 तो आपके पास 59 में क्या क्या है 50 है प्लस 9 है ओके दिस इज कॉल्ड एक्सपैंडेड फॉर्म इसी तरह कोई बड़ा नंबर हो आप कोई नंबर 2, 4, 6, 8 आप ये 1, 10, 100, 1000 वाला नंबर भी ले लेंगे तो इसको भी एक्सपैंड करने के लिए 2000 पहले आपका आएगा क्योंकि 2000 का है फिर 4 का 100 है 400 फिर प्लस 60 प्लस 8 ये आपका 2468 ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया अब आप ये देखिए इसी के संग आपको शॉर्ट फॉर्म भी दिया हुआ है आपके मैम ने पूछा ये कितना है आप बताइए अब आप ये एक्सपेंडेड फॉर्म लिखा हुआ है 4000 फिर 200 प्लस 20 प्लस 1 इसको अगर आप शॉर्ट में कर देंगे लिख दे लेंगे 4221 ये आपका शॉर्ट फॉर्म है ये क्या है शॉर्ट फॉर्म जी जब आपको ये वाले नंबर दिए जाए और एक्सपैंड करने को आ जाए तो आपको ये करना है और जब आपसे कहा जाए इसको शॉर्ट फॉर्म में करिए तो ये नंबर्स दिए जाएंगे आपको इसको शॉर्ट में करना है मान लीजिए इसके नंबर के आगे ऐसे लिखा होता 4000 प्लस 00 प्लस 40 प्लस 2 तो बताइए कितना आएगा यहाँ पे 4000 में आपका 4 आ जाएगा और 100 में क्या है 0 0 0 तो आप एक 0 रख देंगे फिर आपका 42 इसका मतलब 100 के यहाँ पे क्या था 0 100 का क्या था 0 तो वहाँ 0 ही आएगा अब आपको छोटा सा आता है आपका ये टाइम आवर्स मिनट एंड एएम वाला अब हम आपको अभी ये समझाते हैं